जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई के प्रभारी बनाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत रही है देशद्रोहियों का साथ देने की, और इसी आदत को बरकरार रखते हुए उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देने वाले कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का प्रभारी बनाया है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी होती है कांग्रेस की कि उसे हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़ा होना पड़ता है। देश जानना चाहता है कि कांग्रेस ने यह निर्णय किस मजबूरी में लिया। राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि ये वही कन्हैया कुमार हैं जो जेएनयू में छात्र नेता थे, जो नारे लगाते थे ज्वाइन एनएसयूआई टुडे, लूटो भारत टुमारो। अब इससे यही साबित होता है कि कांग्रेस के पास कोई छात्र नेता नहीं है जिसे वो अपना प्रभारी नियुक्त करें, इसलिए वो देशद्रोहियों का सहारा ले रहे हैं। आगे राजपाल सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी एनएसयूआई की कोई गतिविधि देखने को नहीं मिलती है, ना ही प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा छात्र नेता है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस कमेटी ने अपनी छात्र इकाई एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कांग्रेस ने किस मजबूरी में लिया है ये पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि ये वही कन्हैया कुमार है जब वह जेएनयू में छात्र राजनीति करते थे तो वो नारा लगाते थे कि ज्वाइन एनएसयूआई टुडे, लूटो भारत टुमारो, लूटो इंडिया टुमारो। तो ये नारा लगाने वाले आज उसी एनएसयूआई के प्रभारी बनते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि एनएसयूआई कहने को जरूर छात्र संगठन है कांग्रेस का, परंतु उस छात्र संगठन में कोई भी उनके पास वैचारिक रूप से पुष्ट ऐसा कोई छात्र नेता नहीं था जिसको वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभारी बना सके। उसके लिए भी उनको कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के जेएनयू के पुराने कुख्यात सरगना को जो है अपना नेता बनाना पड़ा।